तो दोस्तों आज फिर मैं एक अच्छा सा ड्राइंग ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो स्पेशली किड्स के लिए है और बहुत यूजफुल है। तो इसमें आज मैं पियर का ड्राइंग आप लोगों को बनाना बताऊंगी कि कैसे पियर का ड्राइंग बनाना है स्टेप बाय स्टेप, आप उसको फॉलो कर सकते हो पूरा। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में मैंने हल्का सा एक ओवल शेप दिया है, वो भी स्लांट है ना, थोड़ा तिरछा। देन क्योंकि पियर हम तिरछा बना रहे हैं इसलिए इसको भी हमने तिरछा ही बनाया हुआ है, ड्रॉ किया है। उसके नीचे भी फिर हमने एक हाफ सर्कल जैसा बना दिया ओवल के नीचे। तो एक पार्ट ये हो गया, स्टेप वन आपकी ये क्लियर हो गई। तो पहले आप इतना बनाएंगे, देन फिर रिपीट करेंगे हम इतना स्टेप बनाने के बाद। देखिए अभी दूसरी बार मैं वही स्टेप को रिपीट कर रही हूँ फिर से। अभी फिर इसके बाद हम क्या करेंगे वो चीज़ आप लोगों को अभी मैं बताती हूँ। तो देखिए इसका जो हमने नीचे का सर्कल बनाया था तो नीचे हल्का सा बीच में हमने उसमें मार्क दिया है क्योंकि वो नीचे वाला हिस्सा होता है पियर का, और ऊपर वाले हिस्से में हल्का सा स्टेम निकाल दिया पियर का। ठीक है, तो हमारी सेकेंड स्टेप पूरी क्लियर हो चुकी है और बहुत ईजी गोइंग आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में फिर से सेम प्रोसीजर जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया फिर देन सेकंड स्टेप में किया, तो वो प्रोसीजर हम पूरा रिपीट करेंगे। इस तरीके से आप लोग बनाओगे तो वो प्रैक्टिस में भी आएगा और बहुत अच्छे से बच्चों आप लोग सीख सकते हो ये चीज़। तो देखिए अभी हमने इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया है, इस वाले स्टेप में साइड वाले पार्ट में हल्का सा दोनों साइड कर्व दिया है मैंने, है ना, हल्का सा ड्रॉ किया है, सेम वो ही प्रोसीजर है। अब इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए, पहले इसको हम पूरा जैसा हमने थर्ड पार्ट तक बनाया हुआ है वैसा पूरा बनाएंगे। और आप लोग यदि इसी तरीके से सारी स्टेप्स को फॉलो करोगे तो इजी गोइंग आप लोग बना सकते हो। तो थर्ड फोर्थ स्टेप में आप लोग जो बीच का पार्ट है जो हमने ऊपर का ओवल शेप बनाया था और जो कर्व नीचे का सर्कल बनाया था उसका बीच का पार्ट रिमूव कर देंगे पियर के लिए। देखिए आप ये बन गया फोर्थ पार्ट हमारा और पियर भी का भी शेप आ गया। तो कितना इजी होता है पियर बनाना, छोटे बच्चों को ये लगता है कि इसको हम कैसे कर्व करें, तो कर्व करने का तरीका भी मैंने बताया, बहुत इजी है क्योंकि ओवल शेप तो आप लोग आसानी से बना सकते हो, सर्कल भी बना सकते हो, तो सर्कल के ऊपर एक ओवल ही तो बनाना है आप लोगों को, है ना। तो इस तरीके से आपका पियर रेडी हो जाएगा। नाउ अब हम लोग करेंगे इसमें कलर पार्ट। तो पहले फिर से हम इसको फिफ्थ स्टेप में पूरा पियर हम ड्रॉ करेंगे। और कलरिंग के लिए गाइज आप लोग बच्चों के लिए आप लोग क्रेयॉन्स यूज़ कर सकते हो, कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हो, स्केच पेन यूज कर सकते हो। इनमें से जो चीज़ आप लोग मतलब इजी गोइंग जिससे आपको हो जाए स्केचिंग उससे आप उसमें कलर वाला पार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं कलर पेंसिल से कर रही हूँ, तो मैं पहले येलो पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, शेडिंग देते वक्त कुछ छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन है, यदि आप लोग वो चीज़ को माइंड में रखोगे तो कभी भी आपकी स्केचिंग में गड़बड़ नहीं होगी दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक साइड से शुरू करना है, कभी भी बीच से नहीं। बच्चों की अक्सर आदत होती है कि वो हमेशा डूडलिंग करते हैं, बीच वाले पार्ट से स्टार्ट किया और इतने तेज़ी से हाथ चलाते हैं, टू साइड मूवमेंट उनके हैंड्स के इतने तेज़ी से होते हैं कि वो बाहर इस साइड से भी निकल जाता है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, ऊपर से, नीचे से, चारों तरफ से बराबर से निकलता रहता है। यदि आप अपने हाथ पे शुरू से ही कंट्रोल करना सीखोगे शेडिंग देते वक्त तो आप लोग बहुत अच्छी शेडिंग सीख पाओगे बेटा। तो इसलिए सबको पहले क्या करना है, बहुत अच्छे से धीरे धीरे हैंड्स के मूव करना है ताकि बाहर ना निकले। इस चीज़ की हमेशा आप लोग कोशिश करोगे कि आपका आपके हाथ पर कंट्रोल बहुत अच्छे से होना चाहिए आपके, जब भी आप पेंसिल से मूवमेंट कर रहे हो अपने हाथ को उसमें
बिल्कुल धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी नहीं मचाना है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे। तो देखो येलो शेड मेरा हो चुका है, अब पूरे में एक सब ब्लेंड कर लिया है हमने, ठीक है। और इस तरीके से करने से देखिए एक सब ब्लेंड होता है। नाउ अब मैं ले रही हूँ ग्रीन वाला पार्ट, है ना। तो ग्रीन के लिए भी देखो एक साइड से मैंने स्टार्ट किया है, और जहाँ जहाँ पिक्चर में, जैसे आप कोई भी पिक्चर बनाओगे तो उसको सामने रखोगे तो आपको विजिबल तो होगा ही ना कि कहाँ कौन सा कलर करना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही शेडिंग दोगे ना। तो यहाँ पे देखो मैं साइड से थोड़ा थोड़ा ग्रीन पार्ट कर रही हूँ ताकि उसमें हल्का सा 3D इफेक्ट भी आए, क्योंकि यदि सिंगल येलो कलर कर दूँगी तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा उसकी शेडिंग में, इसलिए उसमें मैंने ग्रीन पार्ट दिया। और आप देखना जहाँ से ओवल शेप ख़त्म किया था ना और सर्कल शुरू हुआ था हमारा, वहाँ पे देखो बीच में भी मैंने ग्रीन दिया है ताकि वो ऐसा उठा हुआ पियर दिखे, मींस 3D इफेक्ट दिखे, इसलिए मैंने बीच में भी ग्रीन दिया है और बहुत लाइट हैंड से दिया है ताकि वो येलो के साथ मर्ज हो, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं मतलब पैचेस नहीं आना चाहिए, पैची लुक नहीं दिखना चाहिए कि पिक्चर में येलो अलग कर दिया ग्रीन अलग कर दिया, इस तरह का लुक नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए आपको मतलब बहुत लाइट हैंड से चलाना होगा। अच्छा अभी नीचे की साइड क्या कर रही हूँ मैं, उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। तो ब्राउन कलर को हल्के हाथ से शेड देना है हमको, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब ब्राउन के बाद उसमें मैंने हल्का सा ब्लैक कलर भी यूज़ किया। अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोग को बहुत मतलब अच्छे से बताना चाह रही हूँ ताकि ये चीज़ आप हमेशा फॉलो करोगे, कभी भी ब्लैक कलर डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, शेडिंग देते वक्त। तो देखिए हल्का सा मैंने आउटलाइन दिया है, पूरे में नहीं दे रही, और ऊपर उसकी जो स्टेम है उसमें भी हमने ब्राउन और ब्लैक कलर यूज़ किया है। तो देखिए ये पियर हमारा रेडी हो चुका है। और गाइज यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए अभी इसको मैं ब्लेंड किससे कर रही हूँ, पूरे पिक्चर को मैं ब्लेंड कर रही हूँ लाइट ग्रीन कलर से ताकि बहुत अच्छे से वो ब्लेंड हो जाए। और अच्छा जो भी डस्ट है उसको हमको मेकअप ब्रश से ही हटाना है, हाथ से नहीं हटानी है ताकि हमारे शेड डिस्टर्ब ना हो। तो हल्का हल्का सर्कल फॉर्म में घुमा के इसको हमने ब्लेंड भी कर लिया। तो देखिए गाइज यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ना मैंने बोला ना लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी मिलती हूँ, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ।